मेरे थकने के अनुसार हम रुकेंगे। ओके ओहो ये तो कैप्चर हो गया। सो गुड मॉर्निंग गाइस, नमस्ते इंडिया, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेफिक्र इंजीनियर्स पे। तो आज है हमारा डे टू धनौल्टी में और देखिए कितनी अच्छी धूप निकली हुई है यहाँ पे ना। मतलब चंद सेकंडों में मौसम बदल जाता है, कभी धूप आ जाती है, कभी धूप होती है, फिर बारिश आ जाती है। और कल तो धूप है, इतनी तेज़ धूप है और फिर भी स्नोफॉल हो रहा था, तो ये बहुत अच्छी बात लगी कि एक ही कुछ दिनों में आप हर टाइप का मौसम यहाँ पर इन्जॉय कर सकते हैं। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और मोटा भी रेडी हो रहा है क्योंकि वो नहाने गया था, तो मैंने सोचा चलो जब तक मैं व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ आज के दिन की शुरुआत कर देती हूँ। आज अभी हम जा रहे हैं एक टेंपल में, सुर्कनंदा देवी टेंपल, उसकी कहते हैं बहुत ज़्यादा मान्यता है। और कुछ भी अगर यहाँ के जो लोकल्स हैं और जो यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ पर उस टेंपल की इतनी मान्यता है कि आप वहाँ पर कुछ भी मांगे वो सब कुछ पूरा होता है। तो इसलिए आज हम वहाँ जा रहे हैं। एज अ टूरिस्ट स्पॉट तो है, लेकिन जनरली लोग वहाँ पे सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि वहाँ पे सबकी मन्नत पूरी होती है। तो आज हम भी कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। वैसे तो भगवान के घर पे सबकी ही दुआएं कबूल होती है, सबकी ही दुआएं पूरी होती है, लेकिन आज हम भी देखना चाहते हैं कि ऐसे कौन सा टेम्पल है जिसकी इतनी मान्यता है और वो हम लोगों को नहीं पता। मेनली वहाँ पर कहते हैं कि यहाँ से यूपी, बिहार और इस साइड से काफ़ी लोग आते हैं, वो इस टेम्पल को बहुत मानते हैं। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। उससे पहले हम करेंगे अपना ब्रेकफास्ट। बस मैं वेट कर रही हूँ कि मोटा रेडी हो और फिर मैं ऑर्डर दूँ, क्योंकि यहाँ पे ना इतना जल्दी ठंडा हो जाता है ना खाना, मज़ा ही नहीं आता फिर खाने में। तो इसलिए चलो मैं ऑर्डर देती हूँ और देखती हूँ उस मोटे का क्या अपडेट है और थोड़ा सा रूम भी ठीक कर देती हूँ। चलो मिलते हैं आपको सीधा टेम्पल में। टेम्पल से पहले शायद ब्रेकफास्ट पर भी मिल सकते। गुड मॉर्निंग गाइज, फिलहाल हम लोग रेडी अपने ब्रेकफास्ट के साथ। हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, आप लोग भी ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे आई होप, बिकॉज दिस इज अ मॉर्निंग एंड इट इज अ रियली अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। आई गेस प्रिया ने आप लोगों को आज का दिन ब्रीफ कर ही दिया होगा। हम लोग अभी जाएंगे सुर्कंडा देवी या माता जी के मंदिर। यहाँ पे जो अभी वेदर है, वेदर अभी धूप निकली हुई है, आज का अनुमान है कि 40% चांस है बारिश के। तो हम तो तैयार है एज अ कपल ट्यूनिंग करके। ये देखो आज हमारा, कल हमारा व्हाइट ब्लू था, आज हमारा रेड ब्लैक है। रेड ब्लैक और अभी हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, हमारे ठंडा हो जाएगा। यहीं बैठ के कर लेते हैं, गिल्ली है चेयर। ओहो चेयर चेंज करके लाता हूं फिर। और हवा लग रही है बहुत तेज, पता है। अच्छा फिर अंदर ही करें। यस चलो फिर, थोड़ा कोजी कोजी है। कोजी कोजी है। ये देखो अंग्रेज हो रही है कति। सो गाइस अब हम हमारा डे टू स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब टेक्निकली अब स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि रूम से अभी बाहर निकले। बार बार मोटा रजाई में घुस जा रहा था, कभी कहता मैं अभी खुद को गर्म कर रहा हूँ, कभी कुछ, तो मैंने उसे उठाया कि चल अब तो चलते ही है। सांस चढ़ जाते। अभी हम जा रहे हैं हमारी गाड़ी के पास और निकलेंगे सुर्कनंदा देवी टेंपल के लिए। वैसे तो वो हमारे होटल से ना बस 7 मिनट दूर है, 7 मिनट बोले तो 3.5 किलोमीटर। बट फिर हमें ये है कि हम वहाँ से आने के बाद कहीं और भी जाए, इसलिए हम गाड़ी लेके जा रहे हैं। और थोड़ा ठंड में ना कन्वीनियंट होता है। एक सेकंड पहले मैं अपने सांस उतार लूँ। देखो ये आ गया हमारा मोटू सेठ, इंडियन पति आ गए हमारे। ये हाँ तो साफ करेगा क्या? अभी चाबी भूल गया। तो दोस्तों अब होगी हमारी गाड़ी साफ। सांस चढ़ गए मोटे, सांस नहीं सांस गाड़ी निकलने लग रही है। बैटरी ड्रेन हो गई क्या? ये क्या हो गया? ठंड में गाड़ी की चाबी की बैटरी ड्रेन हो गई। अभी इसकी शायद की चाबी ड्रेन हुई है, पता नहीं बैटरी की हुई है। हाँ चाबी की हुई है ना? तो गाड़ी स्टार्ट करके पता लगेगा। पहले स्टार्ट ही कर ले तो सामान रख के। ये तो आती है यार पहाड़ में।
हाँ, और अभी तो यहाँ पे कल माइनस में होएगा, तब क्या होएगा। लेकिन अपनी चार्ज अब तो थी ना, एक बार तो करा चुके अपन बीच में चार्ज, ऐसा तो है नहीं। तो दोस्तों जानने के लिए देखिए हमारी गाड़ी को हुआ क्या। तो अभी गाड़ी स्टार्ट की जाएगी। जय माता दी। इंजन गई, वो बैटरी गई। उसके पास लेके जाना पड़ रहा है चाबी को। तो बैटरी वगैरह तो ठीक है, चाबी की गई क्या? पता नहीं, चाबी को अब लगता है उसमें रजाई में सुलाना पड़ेगा। यार क्या हालत बना रखी है आपने आपकी सीट की? क्या हालत है मेरी सीट की? सारे तौलिए ताले मेरे खराब कर। तो शुक्र है हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई, वरना ये हमारे लिए बहुत ही हैक्टिक डे हो जाता। हमारी सीट, मैं अपनी सीट ठीक करती हूँ दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे। पहले मैं मेरी सीट ठीक कर लूँ और मोटे की भी कर देती हूँ। तो यहाँ पे हमारे ड्राइवर साहब थोड़ी सी गाड़ी को साफ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी थोड़ी बहस हो गई, बिकॉज ड्राइवर साहब बोल रहे हैं कि ये काम होता है असिस्टेंट के। किसके काम होते हैं? वाइफ के। असिस्टेंट के, कह रहा जो इस सीट पे बैठता है उसके काम होते हैं। बट आपको तो पता ही है ड्राइवर के साइड में हमेशा VIP लोग और वो सब बैठते हैं, और वो सब ये काम नहीं करते, समझे। और आज इस मोटू को देखो कितनी ठंड लग रही है। मैं मुश्किल से इसे ना भगा के लाई हूँ रजाई से, एक इतनी मोटी, दो और ये तीसरी, इतनी ठंड लग रही है यार। बहुत ठंड है यार। और मैं कुछ भी नहीं, मैंने सिंपल सा एक रेड टी शर्ट टाइप में। नहीं नहीं नहीं, क्या है ये रेड टी शर्ट में? स्वेटर हल्की सी। हाँ, तो स्वेटर बहुत लाइट स्वेटर है जो हम वहाँ पे सेमी विंटर्स में पहनते हैं। और ये एक लेदर जैकेट, लेदर जैकेट में आपको पता है कोई ठंड नहीं रुकती। वो जोन सी जिसमें डिक्की में रखी है जर्सी जैकेट लागे अभी एक्स्ट्रा है। लिए अभी हम आए हैं माँ सुरकंडा देवी मंदिर, इसका नाम है, लेकिन इसे सरखंड। हाँ, क्योंकि यहाँ पे बताऊँ एक्चुअली क्या हुआ था कि जो सती माता थी, सती माता ने जब सती दी थी तो शिव जी ने उसका सिर अपने त्रिशूल पे उठा के भागे थे, तो विष्णु जी ने अपने चक्र से उसका सिर वहाँ काट के जो गिरा था जिस जगह पे, वहाँ माता का ये दरबार लगा हुआ है। तो इसी को बोलते हैं सुरकंडा देवी, इसकी बहुत मान्यता है। बोलता है जो भी आप मांगते हो वो आपकी इच्छा पूरी होती है यहाँ पर। और यहाँ पे लाइक ना टाइमिंग्स है, टिकट की टाइमिंग है, जैसे 9 बजे से शाम को 4:30 बजे तक। और ट्रॉली इसका सिस्टम है यहाँ पे, और लेकिन ट्रॉली अभी जो है ना थोड़ी बंद की गई है, क्योंकि यहाँ पे अभी हवा चल रही है, हवा के कारण क्या है वो हिलती रहती है, और बिजली भी पड़ी थी इसलिए। तो आज हमें पैदल ही जाना होगा। यहाँ के लोकल्स बोल रहे हैं कि 1 घंटे का रास्ता है, बट हमारे हिसाब से हमें लगता है 3-3.5 घंटे आराम से लगेंगे। तो चलिए माता का आशीर्वाद लेते हैं, और बने रहिए हमारे साथ, आप भी दर्शन कर लीजिएगा। नहीं चल रही, अब क्या करोगी, नहीं चल रही वो। तो ट्रॉली यहाँ पे चल नहीं रही है, नहीं चल रही तो हम कैसे जाएंगे? आप जाओगे पैदल हमारे साथ? नहीं, बोलो गोदी में ले चला ले चली। तो यहाँ से काफी लोग हैं जो वापस जा रहे हैं, क्योंकि ट्रॉली चल नहीं रही है और हमें बहुत दूर जाना है। एक सेकेंड, तेल नहीं आ पाने। हमें ना कहीं दिख रहा होगा तो बहुत वहाँ टॉप पे जाना है। फिल्टर तो हमारे फेल है, बट फिर भी हमारे में हिम्मत है। सही है, चलो चलो चलो, माता का नाम लेते हुए। माता का नाम लेंगे, और पता है चढ़ाई जो एकदम स्टीप है, तो चलो देखो कहीं पे भी शुरू करो तो पहुंच तो जाते ही है। हमारा तो ये एक्सपीरियंस है, जितने ट्रिप शुरू करें हाँ। सारे कदम के बहुत बढ़िया। तो धीरे धीरे छोटे छोटे कदम रखते रहो, पानी पीते रहो, क्योंकि उतरना तो बहुत आसान है। ये तो हमने बिजली महादेव पे देख लिया था, कितना भारी बैग लेके कूदा था। हाँ, ऐसा ही हुआ था, बिजली महादेव भी बस से उतरे, भाग के चढ़े लोग। पर तू भी चढ़ जा भाग के। यार पैदल चला नहीं जा रहा है। क्यों चला, क्यों नहीं जा रहा है? कह रहे आराम आराम से चढ़ेंगे, थक जा रहे हैं,
एक्चुअली इतनी आदत नहीं है ना चलने की। वो उतना कब से आदत नहीं है मेरे को, जब से तुझसे शादी हुई है। सो गाइज अभी हम पहुंच गए हैं मिडवे। अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो वो जो विलेज आपको देख रहे हैं, वहाँ से हमने चढ़ना शुरू किया था, वो स्टार्टिंग पॉइंट था। और फिर उसके बाद ये जो रोप वे आपको दिख रहा है, वहाँ से हमने आपको रोप वे का भी दिखाया था। अब हम लोग ऑलमोस्ट हाफ मिडवे पे पहुंच चुके हैं। और इसके बाद ये देखिए यहाँ का व्यू बहुत ही शानदार है। और इसके ऊपर ये जो रोप वे जहाँ तक जा रहा है वहाँ हमें जाना है, तो मंजिल अभी काफ़ी दूर है। और प्रिया मैडम भी अपने बाल संवारने में लगी हुई है, चलते हैं आगे। सो फिलहाल तो यार हम लोग काफ़ी थक गए हैं चढ़ते चढ़ते चढ़ते। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है यहाँ पे, स्टीप एकदम। और नीचे पता नहीं हम एकदम ऐसे लग रहा है कि पूरा पूरा पहाड़ हम ऑलरेडी चढ़ चुके हैं। एक तो हमने शॉर्टकट लिया है, तो जो शॉर्टकट है वो सीधी खड़ी चढ़ाई है। ये देखिए एक पैर फिसला और हम नीचे। ऐसा नहीं है ना, है ना, ये देख इधर से। तो इसलिए यार रेलिंग दे रखी है, पकड़ पकड़ के चढ़ रहे हैं। अब यहाँ से या यहाँ से तो शॉर्टकट आ रहे हैं। जो हमारे साथ चढ़ने लगे थे वो चढ़ चुके हैं। एक्चुअली हम वीडियोस वगैरह बीच में बना रहे हैं, हॉल्ट ज़्यादा ले रहे हैं क्योंकि हम इंजॉय करके चलना चाहते हैं। तो इसलिए तो अभी हम कंफ्यूज है, फिर से शॉर्टकट जाए या जो रास्ता गिवन है उस पर जाए। चलो देखते हैं, सोचते हैं। स्टार्ट किया था, काफी टाइम हो गया। काफी तो नहीं हुआ, आधा घंटा हो गया। साइड दे दूंगा, आधा घंटा हो गया। हाफ से ज्यादा ऊपर तो आ गए, 50% हो गया ना। 50% अभी 11 बजे हैं। हां 12 बजे तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पे ना रास्ते में छोटे छोटे ना मंदिर बनाए गए हैं। और वहाँ यहाँ पे जो कोई ट्रेजिडी होती है या कोई मतलब दुर्घटना में हो जाती है, मतलब कोई भी दुर्घटना हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर टाइप में बनाया हुआ और उसमें उनकी मूर्ति रखी जाती है कि आते जाते लोग मतलब हाथ जोड़ ले या उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करें। और यहाँ पे ना आपका जो बेस्ट मौसम बोल रहे हैं वो है अक्टूबर नवंबर दिसंबर। यहाँ से पूरा उत्तराखंड दिखता है, केदारनाथ धनौल्टी ऋषिकेश सब कुछ दिखता है। तो ऐसा बता रहे हैं कि अभी तो क्लियर दिखेगा नहीं, बट उस साइड पर बोलते हैं कि वहाँ पर दिखता है देहरादून और केदारनाथ वगैरह यहाँ पे दिखते हैं, लेकिन टॉप पे। अभी आपको टॉप पे भी एक बार डिस्क्रिप्शन देंगे, बट हमने सोचा कि यहाँ से भी मतलब लोग देख रहे हैं। अगर आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आते तो यहाँ से क्लियर दिखता, तो आप जा मान सकते हो कि हम लोग कितनी टॉप पे जा रहे हैं जहाँ से हम पूरा उत्तराखंड देख सकते हैं। तो अगर आपको उत्तराखंड देखना है, उत्तराखंड घूमना है, तो सीधा सुरकंडा देवी मंदिर आए, वहाँ से पूरा उत्तराखंड देख ले, तो आपका एक दिन में पूरा उत्तराखंड कवर हो जाएगा। तो हम चलते हैं फिलहाल यहाँ से आगे। और मैंने फिर वही से फिलहाल शब्द का फिर से यूज किया जो मैंने कल सोचा कि फिलहाल का शब्द का यूज नहीं करूंगा। तो यहाँ तक तो हम काफी थक गए हैं, सब लोग जो हमारे साथ चले थे काफी आगे तक पहुंचे। एनर्जी ना लो नहीं हुई है, स्लो हाँ। हम चल रहे हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल हो गया, हम नहीं चल रहे, वो स्टेज नहीं आई अभी हमारी। तेरी आ गई क्या? मेरी तो तेरी आ गई होगी, मोटा बहुत जल्दी थक जाता है। थकता नहीं है एक्चुअली, क्या ना पति सामान लेके चढ़ता है, ये देखो कंधों पे बोझ। क्या हुआ फिर थक गए? थोड़ी थके ना तो एक्चुअली जुल्फे हमारी हमें छेड़ रही थी, तो मैंने सोचा जुल्फों को बांध के शॉर्टकट देखिए, शॉर्टकट चलते हैं। चलो यहीं से चलेंगे। तो ना कल हमने जो एक्टिविटीज़ की ना, तो वहाँ पे एक था रॉक क्लाइंबिंग जिसके थे 800 कुछ रुपए, वो हम फ्री में कर रहे हैं। रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, कोई भी क्लाइंबिंग आप कह दीजिए, कम ऑन। पता शॉर्टकट ही है ना? हाँ। क्या तूने रखना? नहीं मैं तो रखती ग्रिप बनाती हूँ। हाँ शानी तो ही है वैसे दुनिया में। हाँ तू ऐसे ये चलता बंदों की तरह, मैं चलती हूँ इंसानों की तरह ग्रिप बना बना के।
जहाँ जहाँ तूने पैर रखा ना प्रिया, गड्ढा हो गया। ठीक है ना, मैं औरों के लिए रास्ता बना रही हूँ अच्छे से, कि आए तो उनके लिए स्टेयर्स का काम करें वो। देखिए देखिए, बंदर चढ़ता हुआ देखा है कभी? भालू, ओ भालू। ये रहा, पहुंचने वाले हैं हम। वहां से चढ़ते हैं, थोड़ा ऊंचा है, इधर से चढ़ना आसान है। तो गाइस, अब हम पहुंच गए हैं मंदिर में। बहुत ही, जितना कष्ट भी नहीं हुआ जितना हमने सोचा था। सांस चढ़ गया इसको तो। नहीं, इतना नहीं हुआ। तो अभी हम दर्शन करते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। बहुत ही अच्छा नज़ारा है एकदम, हम ना टॉप पर आ गए हैं। देखिए, ऐसा लग रहा है बादलों में ही पहुंच गया बिल्कुल। तो यहाँ पे मान्यता जनरली अपने यहाँ पे क्या होता है, मंदिरों में नारियल हम ले जाते हैं। मतलब ऐसे कैसा है यहाँ पे, ये क्या है कि यहीं पे फोड़ना शुभ माना जाता है। कई लोग इसे हवन में भी चढ़ाते हैं, हवन हो रहा है एक मंदिर में, और कई इसे घर भी ले जाते हैं। यहाँ कालू आ गया, बाय कालू। यहाँ हम इतनी टॉप पे आ गए कि देखो पूरे, मतलब कैमरे में कैप्चर नहीं हो रहा क्योंकि क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे। मतलब एक एक चीज, एक एक घर बढ़िया एकदम साफ दिख रहे हैं। लो पानी। फिलहाल प्रिया ने डिसाइड किया कि वो पहनेगी नई ड्रेस, और ये ड्रेस पहन के यहाँ प्रिया करेगी पूजा। तो ये देखिए, ये हो गई है तैयार। ये फिर से घाघरा और चोली पहनकर कौन सी पद्मावती बनने जा रही है। मैं यहाँ का लुक देखना चाहती हूँ, मेरे पे कैसा लग रहा है, क्योंकि अभी एक दो महीना यहाँ पे रहना है ना किराए पे घर लेके, तो यहाँ की लोकल ड्रेस ट्राई कर रही हूँ। 20 लाख, 25-30-35 लाख। और खाना पीना फिर नीचे से ऊपर लाना पड़ेगा दुनिया भर के। मैडम गले करेगी, कोट भी मेरा यही जमा है। बहुत ही सुंदर लग रही है, सुंदर क्या यहाँ की भाषा में सुंदर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भालू लगो छे। भालू तो लगे थे, इतनी मोटी है भालू ही लगेगी। अब हीरोइन तो हो गई है तैयार, और यहाँ पे लगे हुए हैं वैनिटी वैन वाले भैया पैकअप करने में। कर लीजिए हमारा सामान, जल्दी पैक कीजिए हमारा सामान। शांति हो गई, अब फोटो खींच सकते हैं ना। अच्छा, लाइन लग गई लोगों की, तो ये अभी पैक करेंगे जल्दी जल्दी सामान। क्या पैक करना है? मी जैकेट, जैकेट रखे रहने देते इधर ही ना। तो अभी हम कराएंगे फोटो शूट। कहाँ चला गया भैया? फिलहाल हम लोग हैं यहाँ पर सबसे ऊपर छत पर। यहाँ का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ठंड बहुत ज़्यादा है, और जो है हमने जूते नहीं पहन रखे, जूते ना पहनने की वजह से ना हमारे पैर ऐसे कति ठंडे हो गए हैं। और यहाँ से अगर मैं आप लोगों को ना व्यू दिखाऊँ ना, तो ये है व्यू। अगर आप लोगों को लगता है कि हमें यहाँ पर खाना खाना है, तो यहाँ पर हल्का फुल्का खाना खाने की व्यवस्था है। यहाँ पर प्रसाद वगैरह आपको सब मिल जाएगा। ये देखिए बादल कितने भयंकर तरीके से चल रहे हैं, और ये देखिए उधर से पूरे के पूरे बादल उठ के इधर आ रहे हैं, और लगता है अभी बारिश होने वाली है। और ये देखिए
बाज को अगर आप देख पा रहे हैं तो किस तरीके से उड़ रहा है। और जहाँ तक यहाँ के सीन की व्याख्या की जाए ना, बहुत ही ज़्यादा मतलब कम है, क्योंकि यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है हम लोगों को। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये हो गई है कि यार हमारे पैर बिल्कुल ना ठंडे हो गए हैं, तो इसलिए हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। फिलहाल हम लोग लेते हैं आपसे यहाँ पे अलविदा। आप यहाँ पर बादलों को देखते रहिए कैसे, वही है कि अगर आप, मेरे तो गला भी ख़राब हो गया, अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो आने का नज़ारा कुछ ज़्यादा है, और अगर आप लोग नहीं आ सकते, इतना ऊपर नहीं चढ़ सकते, तो हमारा व्लॉग देखते रहिए। हम लोग आपको ऐसी ऐसी जगहों के दर्शन करवाते रहेंगे जहाँ से चीज़ें बहुत ही खूबसूरत है। चलो चलते हैं यहाँ से, हमारे पैरों में अकड़न हो गई। और प्रिया देखिए पैरों, यहाँ पर एक बीच में एक ऐसी जगह जहाँ पर हल्का सा गर्म है, तो प्रिया यहीं आकर खड़ी हो गई। क्या हुआ? लेकिन बादल कितने अच्छे लग रहे हैं ना चलते हुए, ऐसा लग रहा है बादलों में ही आ गए, क्योंकि जब हम बैक साइड गए थे ना, ऐसा पूरा बादल मतलब ऐसे क्रॉस कर रहे थे। देखने में आपको नहीं हुआ होगा कैप्चर में, लेकिन हमें मतलब तो अब आप सिर्फ ये सोचिए कि अभी हम आए फरवरी में अगर हमारी ये हालत है, तो अगर जो बोलते हैं कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर बेस्ट सीजन है, तो आप आई थिंक 15-20 मिनट से ज़्यादा यहाँ ऊपर स्टे नहीं कर सकते हो। हाँ, तो मेरे हिसाब से आप गर्म जुराबे लेके आए यहाँ आए तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो आप पहन के घूमते रहे और फिर आप जूतों में चेंज कर ले, उनको हम चेंज नहीं कर सकते, इस लाए नहीं थे, ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो गया हम लोगों के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, माता का बहुत अच्छा दर्शन हुआ, जैसे ही हम ऊपर पहुँचे हमारे दर्शन होते ही मंदिर भी बंद हो गया था, तो हमारा वो टाइम भी बच गया। चलो फिलहाल लेते हैं आप लोगों को मंदिर से अलविदा। हम लोग नीचे अपने शूज़ पहनते हैं और बाकी देखते हैं हम आगे का सफ़र कैसा रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि आप लोग बेल आइकन नहीं दबाते, हमारी जितनी भी नई वीडियोज़ आती हैं वो आप तक नहीं पहुँच पाती है। तो इसी के साथ जय माता दी, जय। क्या हो गया पैर दर्द कर रहे हैं? अच्छा, मेरे भी एकदम सुन हो गया, ऐसा लग रहा पैर है ही नहीं। हाँ, थोड़ी सी चोट लगती है, ठंडक वो लग रही है। ऐसे क्यों चल रही है? अगर अपने जूते किसी ने उठा लेंगे प्रिया, तो नीचे ऐसे चलेगी। इस छोरी के तो फिल्टर फेल हो लिए या उतरना, जब जी काचा कर रही है। कोई काचा नहीं कर रही, उतर जा फिर। उतर जी, वो एक्चुअली पैर स्लिप कर रहे थे, तो मैं से बिल्कुल तो टेढ़ा पैर रख के ये देखो दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ हमें जाना है फिर से, वहाँ हमारी गाड़ी पार्क है उस जगह पर, तो यहाँ पर एक वीडियो बनाने वाले थे हम, और अभी हम करेंगे शॉपिंग। चल ले, क्या की शॉपिंग करेगी? हाँ, मैं पति को चाहिए एक माला जो गले में पहन के हाथ में बोले बम बम, हाथ में पहन के बम बम बोले बम बम बोले करे। एक चाहिए शिव जी जी की वो आदि योगी जी की मूर्ति, आदि योगी जी की मूर्ति जो वो डैशबोर्ड पे लगाए, और एक दो जोते हैं यहाँ पे जिसमें हम लगाते हैं और वो जो उनके क्रिस्टल्स लगे उसमें रिफ्लेक्ट करती हैं। तो लेट्स सी हम क्या शॉपिंग करते हैं, जनरली हम करते नहीं हैं यहाँ से, इसलिए कर रहे कि यादें आ जाती हैं यार, हमने जब जोधपुर की थी तो हमें लगा यार यादें होती हैं, इसलिए रूस जूंगा। के बात है, ये सिंदर के हाथ लगा जाए झूठी। वैसे रास्ता बहुत अच्छा है ना यहाँ का, यस खूबसूरत है काफी मेरी तरह। महारानी जी पधार रही हैं, तो हम ऑलमोस्ट नीचे पहुंच गए हैं, 5 मिनट में और पहुंच जाएंगे भाई। कितने देर में आए, क्या टाइम चले थे पापा? ये मैं नोट ही नहीं किया फिर से, ओ गलती होगी, लेकिन चलो ठीक है, हम रिलैक्स करके मिलते हैं। और यहाँ पर मिल गया था मुझे मेरा बहुत ही करीबी दो भी, जब हम उतर रहे थे तो मुझे मेरा कॉलेज का फ्रेंड मिल गया था, मेरा जूनियर था, और मतलब अलग ही फीलिंग थी, एक्साइटमेंट, मतलब हम इतने टाइम से मिलने का प्लान कर रहे थे आफ्टर कॉलेज, मतलब 2016 से हम नहीं मिले थे, और अभी जब हम उतर रहे थे वो चढ़ रहे थे, तो वो मिला बहुत ही अच्छा था। देखो तो हमने फ़ोटो वगैरह ली, और मतलब पुरानी कॉलेज की यादें ताज़ा हो गई, मज़ा आ गया। और इतने टाइम से, मतलब तुम सोचो इतने टाइम से हम प्लान कर रहे हैं, और मिले भी तो कहाँ, अनजान शहर, अनजान स्टेट कहेंगे, अनजान स्टेट में, और वो भी चढ़ते उतरते टाइम, वाह
तो मतलब माता रानी ने आज दिल खुश कर दिया। हमने बहुत प्लान बनाए जो सब फेल हो गए, तो यहाँ पे प्लान सक्सेसफुल हो गया, वो भी दोस्त से मिलके। आजा पति के साथ तो चल घर। अब पति के साथ चलता है, पति थोड़ा सा जालस हो रहा है। ओहो तो चलिए आप पति को वैल्यू दे देते थोड़ी सी। इनले 3 बजे हम वापस आ गए अपने रूम पर, और आके आपको पीछे मौसम देख के लग रहा है 3 बजे। और ये एक पति की आम जिंदगी। स्टैंड तो उसमें है ना। और एक पत्नी की आम जिंदगी। और मेरा पर्स दे दे यार। पर्स तो दे दे यार। तो अब हम आ गए हैं मंदिर जाकर, और हमारे पास ऐसा कुछ था नहीं। इको पार्क में गए हम, भुट्टा खाए और आ गए। इको पार्क के अंदर नहीं गए क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं उसमें, जितना बाहर से दिखता उतना ही है। और बाहर हमें कुछ एंड मोरओवर यार ये ना हमारी स्ट्रेस फ्री ट्रिप थी कि हमें इसमें कुछ ज्यादा भड़क लेने का नहीं था। चलो नहीं था, और ना ही हमें ज्यादा लोकेशन कवर करनी थी क्योंकि ऑफिस के चक्कर में और जिंदगी के चक्कर में ना काफी भसड़ फैली हुई थी लाइफ में। और अब ना हमारे होटल में देखो आप बादल आ गए हैं, देख पा रहे हो तो आप। तो अब गैलरी में बैठ के हम लोग बढ़िया सी चाय पियेंगे या जूस पी लेंगे आज उसका। इतनी ठंड में मैं तो चाय पीऊंगी, तू पी लियो जूस। हाँ। इसको पता नहीं क्या शौक चढ़ा है, हेल्दी फ्रूट और ये सब। I need to be fit. ओह, फिट तो आज इसका निकल गया था, मुश्किल लेके गई। अभी तो समझ आया फिट होना है। इसको कंधे पे बिठा के लेके गई आज मैं ऊपर मंदिर में। कंधे टूट गए। यस, तभी मैंने सामान इसको दिया कि सामान पकड़ ले अब, ठीक है ना। पूरे रास्ते हो गए थे मेरे को तेरे को उठाते हुए। तो चलो दोस्तों गाड़ी उठा रही थी, हम जा रहे हैं रूम में जाके। सो दोस्तों हम तो आए थे धनोल्टी घूमने, और हम लोग रूम पर पहुंच गए थे, और पहुंचने के बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत रेस्ट किया, और हम थोड़ी देर गैलरी में बैठे ही थे कि ये देखो बारिश शुरू हो गई। अगर आप लोग देख पा रहे हो, मैं आपको बैक व्यू से दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर हो रही है हैवी रेन, और अभी मैं केयरटेकर से बात कर रहा था, वो बोल रहा था कि मतलब 1 या 2 डिग्री टेम्परेचर और कम होता ये बारिश बर्फ़ में बदल जाएगी। तो अभी तो बहुत ख़तरनाक मौसम हो रहा है, तो मेरे को लग रहा है हम लोग सुबह कैसे निकलेंगे, और मतलब बड़ा ही खतरनाक हो जाएगा क्योंकि रोड काफ़ी स्लिपरी हो जाते हैं जब बारिश या फिर स्नोफॉल होता है यहाँ पे। और कल का जो मैं टेम्परेचर यहाँ का देख पा रहा हूँ वो -5 डिग्री तक चला जाएगा सुबह। तो मेरे को तो डर लग रहा है यार, गाड़ी लेकर आ तो गए, यहाँ से जाएंगे कैसे। बने रहिए हमारे व्लॉग में, हमारे साथ देखते रहिए कि कैसे हम लोग यहाँ पर बारिश में रुके हुए हैं। और अभी बर्फ़ भी पड़े क्योंकि कल बर्फ़ पड़ी थी, कल अच्छी बर्फ़ पड़ी थी, बट वो फिर पिघल गई थी क्योंकि फिर उसके बाद जस्ट धूप निकल गई थी। लेकिन आज का मौसम देखकर लग ही रहा है यार बहुत ज़्यादा खतरनाक मौसम है। तो आप सबको यहीं पे अलविदा करते हैं हमारे ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर ब्लॉग। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ब्लॉग सब्सक्राइब कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। और इन बादलों को आप देखते रहिए किस हिसाब से ये उड़ रहे हैं। तो जगह आपको समझ आई गई होगी क्या है धनोल्टी, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा नाम है। चल ये देखिए यहाँ का व्यू। अभी आप जो लोग देख रहे थे यहाँ पर पहाड़ी, अभी यहाँ हो रहा है स्नोफॉल। ये देखिए अगर आप देख पा रहे हो, ये देखो यहाँ स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है। हाँ ये देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है अभी पूरी बात।